हेलो स्टूडेंट, आई मानसी अरोरा वेलकम यू ऑल इन द अनदर सेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड इन दिस सेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एज वी ऑल नो दैट द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ वेरी वाइड एज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन एस्पेक्ट्स। जितनी भी ह्यूमन एस्पेक्ट्स होती हैं हर किसी को वो कवर करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, चाहे वो प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, या फिर आपका कोई भी कंपनसेशन, किसी भी तरह का वेलफेयर प्रोग्राम है, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्कोप जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो बहुत वाइड है। तो वी आर स्टार्टिंग विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कि ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, प्लान करता है, ये एक प्रोसेस है किसी भी कंपनी का जो आइडेंटिफाई करता है कि कितनी पोजीशंस वैकेंट है, ठीक है, कंपनी के अंदर कितना एक्सेस स्टाफ है, कितनी शॉर्टेज है, ठीक है, इन सब चीज़ों से कैसे डील करना है, कैसे हमें एक्सेस को या शॉर्टेज को कैसे उन सब चीज़ों से डील करना है। ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है कि कैसे हमें प्लान करना है, कैसे हमें उसको जो चीज़ को मैनेज करना है कि हमें कब स्टाफ की ज़रूरत है, कब हमारे यहाँ एक्सेस है, कब हमें और जो स्किल पोजीशंस हैं उनको फिल करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप का ही एक पार्ट है। नंबर टू, जॉब एनालिसिस डिज़ाइन। जॉब को एनालाइज़ करना एक प्रोसेस होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम नोटिस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। उसमें रेगुलेट किया जाता है एक डिटेल जो एक पर्टिकुलर जॉब ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिलेटिव इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या ड्यूटीज़ होती हैं एक पर्टिकुलर जॉब की। कोई भी जॉब है, कोई भी पर्टिकुलर जॉब है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेन उसका जो हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंस है उस ड्यूटी की, उसको एनालाइज करना कि किस तरह से उसको बेस्ट वे में हम उस जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्किल्स ज़रूरी है उस जॉब के लिए, उस चीज़ का एनालाइज करना। फिर वो प्रोसेस होता है जो एनालाइज करके वो प्रोसेस होता है कि कैसे हम डिज़ाइन करें जॉब्स को, उनका इवैल्यूएशन किस रिगार्ड पे, किस डाटा पे जो हमने कलेक्ट किया है एक जॉब के लिए, एक मतलब एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट ईच एंड एवरी जॉब इन द कंपनी। तो उसको हम कहते हैं एनालिसिस, जॉब का एनालाइज करना कि क्या जॉब है कंपनी में और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन। रिक्रूटमेंट एक जो इंफॉर्मेशन है जो हम जॉब एनालाइज करते हैं, उसके जो हम उस जॉब एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है हमारी किस जॉब के लिए किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है अट्रैक्ट करने का डिफरेंट जो पर्सन हैं, मतलब जिससे कि वो अप्लाई करें फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, जो हमारी पर्टिकुलर जो एक हमारे पास एक वैकेंट स्पेस है। तो थ्रू कैसे करते हैं हम, ये थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश करना ऑन वेरियस सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं। तो क्या किसको कहा जाता है रिक्रूटमेंट, इट इज़ व्हेन अ कंपनी प्रिपेयर्स एडवर्टाइजमेंट्स एंड पब्लिशेस देम ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो जिससे कि एक नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव होती है आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट इज़ प्रेजेंटेड और इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं और जो डिज़र्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, उसको हम सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। एंड थस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज़ येट अनदर एसेंशियल एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये भी एक स्कोप हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। नेक्स्ट आता है हमारा ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोसेस, जब हमारे एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट हो जाते हैं आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, पहले हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है, नेक्स्ट जो स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स का, वो ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन होता है। इसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट जब कर लिया जाता है तो एक इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनके लिए टाइम टाइम पर। उसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ को अपडेट करा जाता है अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, क्या हमारी कंपनी है, हमारे कल्चर्स, हमारी कंपनी के जो वर्क एथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कैसे क्या कौन सा मतलब किस तरह से उनको काम करना है, उससे इंट्रोडक्शन कराया जाता है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। तो ये भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है। इसके बाद हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आता है। नेक्स्ट हमारा जो स्कोप है इससे अगला, वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये किस चीज़ से कंसर्नड होता है, विद अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ हैं एज वेल एज जो हमारे यहाँ काम करें, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उनकी नॉलेज को, उनकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंसेस को
कैसे हम एनहेंस कर सकते हैं, कैसे हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम उसे रिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा वर्कफोर्स के लिए एक उस तरह से हमारी वर्कफोर्स को हेल्प करता है, उनका एनहेंसमेंट ऑफ देयर स्किल्स, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव उनकी जो परफॉर्मेंस है। तो एम्प्लॉयज़ क्या है, जाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, उनकी हेल्प की जाती है, उनको असिस्ट किया जाता है एक बेटर परफॉर्मेंस, जिससे कि वो अपना बेटर परफॉर्मेंस डिस्चार्ज कर सके ऑन द जॉब। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल सबको ही पता है एक सिस्टमेटिक मेथड होता है इवेल्यूएशन का किसी के भी परफॉर्मेंस के। जब एम्प्लॉयज़ को मेनली वन ईयर हो जाता है ऑफ देयर सर्विस, तो उनका जो अप्रेजल है वो किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही, ठीक है, उसका जो एक इवेल्यूएशन है जब उसको चेक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ उनके फ्यूचर परफॉर्म, उनके फ्यूचर प्रमोशंस क्या होंगे, इंसेंटिव्स क्या होंगे, इंक्रीमेंट्स क्या होंगे उनकी सैलरीज में, ये डिसाइड करा जाता है इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल। उन्होंने कितना अच्छा अपना काम करा है या उनका कहाँ पर लैक रहा है, तो वो एक ये एक प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिससे कि इस चीज़ का इवेल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपनसेशन प्लानिंग एंड रिम्यूनरेशन, ठीक है। कंपनसेशन प्लानिंग अंडर जो कंपनसेशन हमारी प्लानिंग है, रिम्यूनरेशन है, वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग कंपनसेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स आर टेकन केयर ऑफ। ये किसकी ड्यूटी होती है, एचआर डिपार्टमेंट की, कि उसका रिम्यूनरेशन और कंपनसेशन प्लानिंग कैसी होनी है, ठीक है। हमारी जो रिम्यूनरेशन प्रोसेस है, इसमें हमारी सैलरी के साथ साथ हमें कितना वेरियस जो और बोनस है या जितने भी वेरियस इंसेंटिव्स हमें क्या मिलने हैं, वो सब कुछ डिसाइड होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, एक जो हम अगर इसको हम लास्ट में अगर कंक्लूड करेंगे कि हमारा स्कोप क्या है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, अगर हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे तो हमारे तीन मेन एस्पेक्ट्स बैठते हैं। पहला तो पर्सनल एस्पेक्ट्स, जो लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट है, एक वेलफेयर एस्पेक्ट है और हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट्स है। ये थ्री मेन कंसर्न होते हैं जिनके ऊपर जो स्कोप एक जो टिका होता है, हमारा जो मेन स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो द स्पेक्ट्रम ऑफ HRM कैन बी स्टडीड अंडर थ्री एस्पेक्ट्स डिस्कस्ड, जो हमने डिस्कस किए हैं इसमें। पहला तो है लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट, नंबर वन इज लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट, जो कंसर्न होता है किस चीज़ से, रिक्रूटमेंट से। हमने अभी प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा है, इससे पहले पॉइंट में रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ये सारे के सारे भी हमने प्रीवियस जो हमारे अभी पॉइंट्स आए हैं उसमें पढ़ा है, एंड ऑल्सो देयर रिम्यूनरेशन, अप्राइजल, प्रमोशन, प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा, ये सब इस चीज़ पे बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा वेलफेयर एस्पेक्ट आता है। वेलफेयर एस्पेक्ट किस चीज़ के किससे कंसर्नड होता है, हमारी जो वर्क फोर्स है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, वेरियस एमिनिटीज़ जैसे कि कैंटीन्स हैं, क्रैचेज़ हैं, उनके जो बेबीज़ हैं उनको जो उनकी टेक केयर के लिए एट द डे टाइम, हाउसिंग कैसी है, स्कूल्स, रिक्रिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, रिक्रिएशन बोलते हैं जैसे कि प्लेइंग, जो प्लेइंग हो गया, गेम्स वगैरह प्रोवाइड कराना, डिफरेंट मतलब इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, तो ये रिक्रिएशन प्रोग्राम होता है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो कंसर्नड होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, जो सब कुछ एक मेन एस्पेक्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, कि जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयज़ उनके रिलेशन कैसे हैं। तो इसमें इंक्लूड होता है हमारे ट्रेड यूनियन जो नेगोसिएशंस हैं, सेटलमेंट हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के जॉइंट कंसल्टेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने आप स्कोप जो कंप्लीट किया है, इसमें अभी हमने केवल हाइलाइट्स देखी हैं। अब ये जो हमने सब कुछ पढ़ा है, ये सारे हमारे एज अ टॉपिक्स नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट वगैरह, ये अब हम आगे चल के परफॉर्मेंस अप्राइजल पूरी हमारी यूनिट है उसमें जाके पढ़ेंगे, बट हमें स्कोप के लिए पता होना चाहिए कि हमें स्कोप में क्या करना है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।